सारी चीजें कट कर ली है, प्रिपेयर कर लिया। यहाँ मटर है, एक प्याज है, शिमला मिर्च है, एक टमाटर है और ये शिमला मिर्च, गाजर, और मैंने धनिया भी चॉप कर लिया। चलिए मैं बनाना सिखाती हूँ किस तरह से मैं मैगी बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है कढ़ाई में, उसे लाल होने गर्म होने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में प्याज डाल देना है, उसे अभी गोल्डन ब्राउन होने तक रखना है। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब हमें ये सारी सब्जियां इसके अंदर ऐड ऑन कर देनी है, सारी सब्जियां इसके अंदर। इससे ना बच्चों को सब्जियां भी खाते हैं सब्जी इसके साथ साथ। बहुत सारी सब्जियां मैं डालती हूँ, मैं 3 मैगी बनाने वाली हूँ। देखिए अब इसे ढक देती हूँ ताकि ये सारी चीजें गल जाए। ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। ये सारी बस सब्जियां गलने के लिए मैं हल्का सा नमक डाल दी हूँ, क्योंकि है ना मैगी जो मसाले में भी नमक होता है, इस वजह से मैं थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर थोड़ा कलर के लिए, ताकि ना अच्छा कलर आ जाए। क्योंकि हम लोग सब्जियाँ ऐड किए ना, इस वजह से इसके अंदर का जो मैगी मसाला है ना लिमिटेड होता है कलर और नमक सब्जियों के लिए, और प्लस कलर के लिए थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ता है। ये देखिए थोड़ा सा गल गया है ना, अब थोड़ा और गल जाए, टमाटर और सॉफ्ट हो जाए, तब हम मैगी तोड़ के डालेंगे। अब देखिए मैगी का एक पैकेट मैं तीनों डालने वाली हूँ, इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर मैगी। जो सब्जियाँ हैं हमारी जो पूरी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, अब ये मैगी डाल देती हूँ। एक हाथ से नहीं जा रहा है, मैं दूसरे हाथ से भी डालती हूँ। यहाँ पर मैंने मैगी जो है क्रंच करके डाल दिया है। ये देखिए अब इसको मैं अच्छी तरीके से चलाऊंगी। अगर आप चाहे तो इसके अंदर बटर भी डाल सकते हो, और इसके अंदर बटर के साथ साथ ये भी डाल सकते हो, जो चीज स्लाइसेस होते हैं ना वो भी डाल सकते हो तो और अच्छा लगेगा। इसी वक्त मैं ना धनिया डाल देती हूँ, इसलिए मैंने ना अच्छी तरीके से वॉश कर दिया था। फिर उसके बाद हमारा मैगी जो है पानी गल गया है। 5 मिनट में हमारा जो मैगी बन के तैयार है। चलिए दिखाती हूँ खाके।